हेलो मित्रों, चार्ट पैटर्न में आज हार्मोनिक पैटर्न्स का पार्ट फोर लेके आए हैं। शार्क पैटर्न जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, शार्क पैटर्न, इसे शार्क पैटर्न क्यों बोलते हैं ठीक है, चर्चा करेंगे आगे। और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, और इसके बाद मतलब अगर इसको आप इसको सीख लोगे ये पैटर्न, तो जो आप प्रो के एक स्टेप में आ जाओगे कि हाँ थोड़ा प्रो में आ जाओगे, या फिर बिगनर नहीं रहोगे, बिगनर वाले नहीं रहोगे, फिर आप प्रो बन जाओगे ठीक है। बिगनर से आप प्रो की तरफ चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे, प्रो की तरफ। तो हेडलाइन क्या है इसकी आज की, वन शॉट सॉल्यूशन फॉर ऑल हार्मोनिक पैटर्न्स पार्ट फोर, शार्क पैटर्न। इससे पहले तीन ला चुके हैं, सीरीज बताई थी मैंने शुरू में, बोला था सीरीज आएगी, आठ होंगे पार्ट इसमें, और यह चौथा पार्ट है। उसमें कौन सा है आज, शार्क पैटर्न। तो शुरू करते हैं, इससे पहले कौन कौन से हो चुके हैं, वो थे गाटर हो चुका है, बैट हो चुका है, बटरफ्लाई हो चुका है, आज कौन सा है, शार्क है ठीक है। दीज आर कंप्लीटेड है ठीक है, दीज आर कंप्लीटेड। अब आज शार्क की बात करेंगे, शार्क क्यों बोलते हैं, कैसे काम करता है। और मैंने पहले बोला कि थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे सीखने के बाद आपको एक फील आएगा कि हाँ आज कुछ सीखा है हमने, अब कुछ आया है, मज़ा आ गया है, कुछ नया सीख लिया, ऐसा सीख लिया कि हाँ अब जो दूसरे नए ट्रेडर हैं उनको बता पाए कि हाँ ये भी कुछ होता है, ऐसे भी कुछ होता है ठीक है। तो शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ अ शार्क पैटर्न। तो शार्क पैटर्न है क्या, बटरफ्लाई, द बटरफ्लाई इज़ अ बोथ अ बुलिश एंड एंड बेरिश रिवर्सल पैटर्न दैट फॉलो इनटू द कैटेगरी ऑफ हार्मोनिक ग्रुप। इट वाज इंट्रोड्यूस टू द ट्रेडिंग कम्युनिटी बाय स्कॉटिंग कैरी हु हैज़ डन एक्सटेंसिव रिसर्च एंड फेवी नाको बेस्ड हार्मोनिक ठीक है। ये बताया मैंने क्या, जो मैं पीछे किया था बटरफ्लाई के बारे में ठीक है। अब आगे देखते हैं शार्क पैटर्न ठीक है। शार्क पैटर्न क्या है, एग्जिबिट अ वेरी स्पेसिफाई सेट ऑफ फेविनासी फेविनासी ठीक है, रिलेशनशिप विद इन स्ट्रक्चर, चलता फेविनाको को इस पर चलता है ठीक है, और स्ट्रक्चर में चलता है। एज पर द लेबलिंग कन्वेंशन फॉर द शार्क पैटर्न इट्स डिफर अ बिट फ्रॉम, थोड़ा सा डिफर होता है ठीक है। शार्क पैटर्न जो होता है, लेवल जो होते हैं थोड़े अलग अलग होते हैं ठीक है। मतलब अब तक हमने जो आपने नंबर देखे हैं, वो नंबर कैसे थे, 38 ठीक है, मैं 38.2% या फिर 50% और 78 88 ठीक है, 161, इसे थोड़े डिफर होंगे नंबर, वो थोड़े जो थोड़े लेवल थोड़े डिफर होंगे फ्रॉम द ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल लेवलिंग कन्वेंशन सीन विद इन द मोस्ट हार्मोनिक पैटर्न। थोड़े से क्या होंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा इसको लगा देता हूँ, ये वजह लाइन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ये डिफर होते हैं थोड़े से ट्रेडिशनल लेवलिंग जो होती है उनकी हार्मोनिक पैटर्न से ठीक है। मोर स्पेसिफाइक करेंगे तो पांच पॉइंट हैं विद इन द शार्क पैटर्न में, और लेबल कैसे रखें, इसे जीरो बोलेंगे ठीक है, जीरो एक्स ए और सी ठीक है। दिस आर कॉन्ट्रैक्ट्स, इससे पहले क्या था जो हमने लेवल कर रहे थे हार्मोनिक पैटर्न, वो था एक्स ए बी सी डी, इस पर क्या है जीरो आ गया ठीक है, क्या आ गया है जीरो आ गया है, जीरो एक्स ए बी और सी, ये ओ नहीं है, इसे जीरो पढ़ा जाएगा ठीक है, ये ओ नहीं पढ़ना है हमें, ये जीरो लेके चलना है। एक्स जीरो वही है जैसे एक्स के लिए था, एक्स और ए था, वैसे जीरो है ठीक है। और नहीं तो अगर समझना है तो उसको आप स्मॉल जीरो कह सकते हो ठीक है, ओ स्मॉल मतलब जो स्मॉल अल्फाबेट है उसका जो लेटर होता है जीरो, ओ होता है, आप वो लिख सकते हो ओ, बाकी ये जीरो में कंसिडर किया जाता है ज़्यादातर। अब बोल ज़्यादा याद रहे तुम्हारे ओ बोल देते हैं, बाकी जीरो में कंसिडर ज़्यादा किया जाता है ये। तो आगे देखते हैं इसके रूल क्या हैं, एज यू कैन सी द शार्क पैटर्न इज अ 5 पॉइंट फॉर्मेशन है ठीक है, 4 PM लैग है, 4 लैग जिससे सब में लैग होती हैं ठीक। द स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जीरो, और एंड क्या है, सी। इससे पहले वाले पैटर्न में क्या था, डी जो होता था एंड पॉइंट होता था ठीक है, और स्टार्ट पॉइंट क्या होता था, ओ सॉरी एक्स, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता था, एंडिंग पॉइंट होता था डी, एंडिंग पॉइंट होता था डी और स्टार्टिंग पॉइंट होता था एक्स। तो ओ से एक्स का प्राइस जो है, ओ से एक्स का प्राइस जो है, दिस इज द फर्स्ट लैग विद इन द स्ट्रक्चर, प्राइस ट्रेवल हायर फ्रॉम पॉइंट जी ओ ओ टू पॉइंट एक्स, ओ या जीरो जो बोलूँ आप
बस आपको ये रखना है इसको जीरो और दोनों ले सकते हो, ठीक है आप, ओ टू एक्स एंड दिस प्राइज मूव अपेयरेंट टू द इम्पल्स इन द नेचर मीन दैट इट हैज स्ट्रक्चराइज कैटेगराइज कैटेगराइज ऑफ आर ट्रेडिंग प्राइज मूव, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ से, यहाँ दिख रहा हूँ आप जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, जीरो ही बोलते हैं, या आप इसे ओ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जीरो जो अच्छा लगे वो बोल सकते हो आप, बस ये कि आपको समझ में आना चाहिए और ईजी हो बोलने, ज़रूरी नहीं है कि आप वो जीरो याद रखें या ओ याद रखना है। मैं भी कभी जीरो और दोनों बोलूँ ताकि आपको समझ में रहे, ठीक है। तो जो वैसे मैंने पहले बोला हुआ ये रैंडम मूव होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये रैंडम मूव होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना है, ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि पॉइंट पे लेना होता है, ये वाला पॉइंट जो है जीरो वाला पॉइंट ज़रूरी नहीं होता एकदम पर्टिकुलर पॉइंट पे लेना है, बस ये लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए, बस मार्केट का एकदम लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए ताकि समझ में आए कि यहाँ मार्केट जो आपने अब ट्रेंड के लिए बनाया है, ये अप ट्रेंड के लिए बनाया है और कुछ नहीं, इसका मेन पर्पस यही है कि पता लगे कि ये जो है मेन किसके लिए बनाया है हमने, जी जो लिया है ये अप ट्रेंड के लिए बनाया है, जीरो लोअर इस पे लिया है क्योंकि हम इसे अप ट्रेंड बनाना चाहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर आगे चलते हैं, इसमें चलता है एक्स से ए। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी होगा क्योंकि यहाँ मैं दिखा दूँ एक्स से ए के लिए कोई भी नंबर नहीं दे रखा, देर इज़ नो नंबर या फिर कहूँ स्ट्रक्चर या कुछ भी नहीं दे बता रखा फॉर एक्स टू ए। अब ए लेना कैसे है वो मैटर करता है, बताना है, ठीक है। एक्स और ए प्राइस लैग, दिस इज़ द सेकेंड लैग विद इन द स्ट्रक्चर आफ्टर आफ्टर पॉइंट एक्स रीच इट्स पीक, पीक मतलब सबसे हाई पी के पहुंच जाए, ठीक है, पीक मतलब उस आपको लगे कि यहाँ ये जो जीरो से ए एक्स लिया गया एक लगे कि यहाँ पॉइंट जो है मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। मैं यहाँ पे बताऊँ अगर जीरो जो है आपने 10 पे लिया है तो एक्स जो है आपने मान लो 90 पे ले लिया है, ठीक है, लगा कि हाँ यहाँ ये जो है ये लोएस्ट लगा आपको लोअर पॉइंट लगा और ये उस फ्रेम में आपको बी के मुकाबले थोड़ा डाउन लगा तो पर हाई लगा, हाईएस्ट नहीं कहूँगा मैं, हाई लगा बस भी आपको लगा कि हाई तो है ही क्योंकि पहले ही बता दूँ ये फ्रेम जो है आपको बनाना है उसके बाद ये आपको मिलेगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ ये फ्रेम पहले फ्रेम जो है आपको पहले बनाना है उसके बाद आपको ये टारगेट और एंट्री और स्टॉप लॉस पता लगेंगे, ठीक है। तो एक हाई ले लिया आपने, इट्स पीक द एक्स हैज़ रिट्रेस अ पोर्शन ऑफ इनिशियल अपसाइड मूव अपसाइड प्राइज मूव वाइल देर इज नो स्पेसिफाइड रिट्रेसमेंट लेवल फॉर एक्स ए। क्या बोला मैंने, ये वाला पॉइंट कैसे लेना है, कोई एकदम स्पेसिफाई पॉइंट नहीं है इसका, ठीक है, स्पेसिफाई कोई भी स्पेसिफाई पॉइंट नहीं है, कैसे लेना है ऐसे यहाँ भी लिखा हुआ है स्पेसिफाइड रिट्रेसमेंट लेवल फॉर दिस नहीं है, ठीक है। वाइल देर इज नो स्पेसिफाई रिट्रेसमेंट लेवल फॉर द एक्स ए प्राइज लैग इस मस्ट बी लेस देन 100 रिट्रेसमेंट ऑन इनिशियल प्राइज और प्राइज मूव, क्या होना चाहिए बस ये याद रखना है, लेस देन 100 होना चाहिए बस प्राइज मूव, जो भी आपने प्राइज मूव लिया उसका लेस देन 100 होना चाहिए। अब मैं कहूँ ये अगर ये यहाँ से भी आ रहा बस ये यहाँ नहीं आ इसके नहीं ये गलत हो जाएगी, ठीक है, ये यहाँ से मुड़ जाए राइट है, ठीक है, यहाँ से राइट है, यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे आ गई रॉन्ग है, यहाँ पे ये राइट है, अगर यहाँ से आपने मोड़ी इसको तो ये राइट है, यहीं से मुड़ी तो राइट है, यहाँ आ गई तो गलत है, मतलब 100% नहीं होना चाहिए, एक लेवल में होनी चाहिए, ठीक है। शार्क है, पूरा नहीं जाएगा ये, यहाँ तक नहीं नीचे नहीं आएगा, यहाँ से हस मतलब लेस देन 100 होनी चाहिए, याद रखना आपको लेस देन 100, ठीक है ना, लेस देन 100% फॉर ए, ठीक है, ए के लिए गलत जगह लिख दिया मैंने, यहाँ नहीं मैं लिखता हूँ इसको आपको आपको समझाने के लिए, लेस देन 100% फॉर ए ए, ठीक है, 100% से लेस देन होना चाहिए, सिंपल सा रूल है ही। तो अब उसके बाद आता है ए से बी, यहाँ से
इसके लिए, ए से बी के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, ए से बी के लैग के लिए, द प्राइज ए बी प्राइज द ए बी प्राइज लैग इज थर्ड लैग विद इन द स्ट्रक्चर आफ्टर पॉइंट ए हैज़ कम्प्लीट द प्राइज बिगिन टू मूव हायर विद इन द ए बी लैग। ठीक है, ए बी लैग की तरफ चला जाएगा वो, ए बी लैग की तरफ जाएगा वो। आफ्टर ए पॉइंट हैज़ कम्प्लीट द बिगिन टू मूव हायर विद इन द ए बी लैग इवेंचुअली दिस प्राइज मूव एक्सटेंड बियॉन्ड द स्विंग हाई सीन्स एट पॉइंट एक्स अल्टरनेटिवली द ए बी लैग विल बी। नंबर क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए किसके एक्सटेंशन प्राइज ऑफ प्योर एक्स ए का स्विंग। ठीक है, एक्स ए का जो स्विंग है वो ये होना चाहिए। अब आपको होगा यहाँ पे तो पर इन्होंने 1.13 लिखा हुआ है, तो 1.13 लिखने का मतलब ही यही है कि उसको एक के 100% के ऊपर माना है। आपको समझना क्या है, आपको यहाँ पे लिख लीजिए 113% और या इसके बीच से लेकर 116%, इसके बीच में होना चाहिए। मतलब जैसे आपने ये 90 लिया है ना, ये पॉइंट ये 90 लिया है और इस वाले पॉइंट को आपने 70 लिया है, तो ये जो है ये यहाँ 70 आया है, कितने का अंतर हो गया 20 का। अब 20 का और थोड़ा ऊपर किया जाएगा तो 22, तो ये पॉइंट जो होना चाहिए 22 पॉइंट के बाद आना चाहिए आफ्टर 22 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये क्या दिखेगा अपने आप ही आपको ये ऊपर दिखेगा, मतलब ये कहाँ पे है 92 पे, इसका प्राइस जो होगा वो 92 पे है, तो ये आपको 92 पे दिखेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी, बहुत सिंपल है। क्या लेना है, 113 लेना या फिर ये, ठीक है 192 से 93 के बीच में कहीं पॉइंट लेना है आपको। जैसे ये आपको ये लिया ना, एक्स 90 पे लिया है, ये 70 पे लिया है, इन दोनों का अंतर क्या है 20, तो इसका 20 इसमें जो है 120 तो है ही, 20 के साथ कुछ 10% और बढ़ाना है, तो 20 का 10% होता है 2 और 2 यहाँ पे आएगा क्या होगा 22, तो वो कहाँ पे आना चाहिए 22 92, 90 और 22 मैं 90 प्लस 22 क्या होता है 22। तो मैं एक रेंज बता देता हूँ, रेंज क्या होनी चाहिए फिर 293, इसके बीच में आना चाहिए ये पॉइंट। ये मैं अपनी तरफ से नंबर ले रहा हूँ, तो आपको 93 नहीं ढूंढना है, मैंने खाली नंबर बता दिया है आपको एक। अब मान लो ये नहीं कि निफ्टी 50 17,000 पे आ गया, ठीक है, और फिर वहाँ से मैंने कहा कि ये जब रिट्रेसमेंट हुआ तो 16,800 पे उसने रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद जब वो ऊपर गया तो इन दोनों में कितना अंतर है, इन दोनों में 200 का अंतर है, ये मान लो एक्स था ये ए था, तो दोनों 200 का अंतर है, तो 220 पॉइंट और ऊपर जाना चाहिए, तो मतलब तकरीबन क्या 17,020 तब वो बी माना जाएगा। ठीक है, ऐसे लेना, ये नहीं लेना है कि मैं 90 92 कर दे तो 92 ही मान लिया जाएगा। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। अब चलते हैं सी पॉइंट की तरफ। सी पॉइंट क्या बोलता है, ए बी के बाद आता है आपका सी पॉइंट, दिस द फाइनल लैग है। ठीक है, स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग फ्रॉम बी से द प्राइज एक्शन बिगिन टू मूव लोअर इन द इम्पल्सिव टाइप्स ऑफ बी टाइप्स ऑफ मूव। ठीक है, द प्राइज शुड ट्रेवल अप्रॉक्सीमेटली दिस पॉइंट टू दिस लेवल, द लेंथ ऑफ कितनी एक्स और ए की लेंथ है जो, ठीक है एक्स और जिसकी लेंथ है उसका कितना होना चाहिए 100 से जो डबल होना चाहिए। यहाँ एक और चीज़ आपको ये नहीं देखना है कि इसका, आपको इसका देखना है। ठीक है, आपको इसका देखना है कितना दे बोला उन्होंने, यहाँ भी वैसे ये जैसे यहाँ लिखा है ना पॉइंट वैसे यहाँ भी लिख दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको 616 या इससे लेकर इसके बीच में आने चाहिए, इससे 2224% से इस बीच में आनी चाहिए जब आपको लेनी है ये। ठीक है, तो अब मान लो ये अब यहाँ पे आ गई है, ये अब यहाँ बेस बन गया है। ठीक है, अब ये बेस बन गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि ये जो है क्योंकि वो पॉइंट छोटे पड़ सकते हैं या फिर कम पड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो लगते हैं कम छोटे पड़ेंगे पर ऐसा नहीं होता है, वो ऑलमोस्ट बराबरी पे ही आ जाते हैं पॉइंट, वो छोटे बड़े नहीं लगते हैं वो, क्योंकि वहाँ के नंबर जो हैं अगर यहाँ 70 देखोगे आप, 70 का डबल 140 हो जाता है, मतलब 20 का डबल, इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों में 70 था। ठीक है, 70 का डबल क्या होता है 140,
ठीक है, तो 140 जब आपने जोड़ोगे तो ऑलमोस्ट इसके नीचे वो ऑलमोस्ट दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, ये यहाँ से इसके नीचे दिखेगा ही दिखेगा। अगर ये 10 पे था तो ये ऑलमोस्ट आपको एक या दो के बीच में, एक या दो पे दिखेगा ही दिखेगा जब आप ये कर इसमें, मतलब 70 × 2 करोगे तो 140 होता है इसका कह रहा हूँ, और इसका कह रहा हूँ इसका लूँ तो 105 होता है, तो वो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, ठीक है। जनरली पॉइंट इसके लेवल पे आएगा या फिर इसके नीचे ही आएगा, अलग नहीं जाएगा वो, ठीक है। इतना समझ आया, पॉइंट समझ आ गया आपको, पॉइंट मैंने लिख दिए हैं, ये फेविनागो के पॉइंट है सारे, इससे अलग नहीं लेने हैं आपको, फेविनागो के पॉइंट है सारे, इससे अलग नहीं लेने हैं। बाकी आपको यहाँ बता दिया गया स्टॉप लॉस और एंट्री। एंट्री क्या है, ये इस बीच में एंट्री लेनी है, ठीक है, स्टॉप लॉस नीचे है ही, मतलब एंट्री क्या है आप ये देख सकते हो, या तो ये पॉइंट का एंट्री, या फिर मैं आपको आगे बता दूंगा तरीका लेने का, इसमें नहीं समझ में आएगा क्योंकि इसका अगर लेने जाओगे तो कभी भी ऐसा है कि मान लो कि पॉइंट यहीं से निकल ऊपर चढ़ गया मार्केट, ठीक है, इसी पॉइंट से मार्केट चढ़ गया तो एंट्री कहाँ बनाओगे, तो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर ये कि उन्होंने सरलता के लिए यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो उन्होंने इस बीच का ले लिया कि यहाँ से एंट्री हो गई, तो ऐसे में स्टॉप लॉस और एंट्री और टारगेट बता दूँ। टारगेट बस ये है कि पहला टारगेट जो उन्होंने सही दे रखा है, बस थोड़ा सा इसमें दो टारगेट होते हैं, पहला टारगेट उन्होंने बहुत परफेक्ट दे रखा है कि जैसे ही वो ए के बराबर गए पहुँचा आपको वहाँ से एग्जिट बनानी, या फिर जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको, एक अपनी कुछ क्वांटिटी 25% to 50% की क्वांटिटी क्या करनी है मार्केट से सोल्ड, या सोल्ड कर देनी, ठीक है, सोल्ड कर देनी, निकल वहाँ से निकल जाना, मतलब मार्केट से एग्ज़िट कर देना, मतलब एग्ज़िट कर देना, ठीक है, एग्ज़िट कर देना अगर पहले इस पे आ जाए, और जो भी आपका एंट्री है वहाँ पे आपका एंट्री क्या होगा, बिकम या टर्न स्टॉप लॉस हो जाएगा, एंट्री टर्न स्पोर्ट SL हो जाएगा, ठीक है। ये आगे जब मैं चार्ट दिखाऊंगा लाइव चार्ट, तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब बेरिश ये बुलिश था, अब बेरिश की बात कर लेते हैं, तो चेंज कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ सेम ही रहेगा। ओ से एक्स प्राइस जो है इनिशियल बुलिश वाला पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, ऐसे यहाँ पे देखा होगा आपने, एक मैक्सिमम पॉइंट लिया हमने यहाँ पे, एकदम हाई पॉइंट लिया, और फिर एकदम डाउन पॉइंट लिया, ठीक है, एकदम डाउन मतलब लोअर होना चाहिए, लो होना चाहिए, लोअर नहीं होना चाहिए, ठीक है, लो होना चाहिए, लोअर नहीं होना चाहिए पॉइंट, क्योंकि लोअर पॉइंट हमें कहाँ लेना है, बी, तो लो पॉइंट तो ले सकते हैं, लोअर पॉइंट नहीं लेना है हमें। उसके बाद वही एक्स ए प्राइस लैग, दिस लैग रिट्रेस अ पोर्शन ऑफ एक्स ए का लैग, ठीक है, वही पोर्शन बताया था, रिट्रेसमेंट का पोर्शन क्या है, ये जो पोर्शन है ये कैसे लेना था, जैसे मैंने इसमें बताया था आपको ए के लिए कुछ वो नहीं, मतलब मेन कोई स्पेसिफाई पॉइंट नहीं है इसके लिए, यहाँ भी वही है कि स्पेसिफाई कोई पॉइंट नहीं है, पर less than 100% होना चाहिए, less than 100% होना चाहिए, ये less than 100%। उसका आता है ए बी लैग, दिस लैग एक्सटेंड बियॉन्ड द स्विंग हाई एट पॉइंट एक्स, सिंपल वही, इसके पॉइंट एक्स से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, मतलब बियॉन्ड, थोड़ा बियॉन्ड होना चाहिए, दूर होना चाहिए उससे थोड़ा बड़ा, मतलब देखो अगर बुलिश का बन रहा है तो ये पैटर्न क्या बनेगा, हाई बनेगा, हायर पॉइंट होगा, ठीक है, अगर बुलिश में हायर पॉइंट होगा, वैसे नहीं तो ये, जैसे मैंने बोला ये लो है तो ये लोअर पॉइंट है, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट बोल दो या फिर लोअर पॉइंट है, मतलब एक और लोअर लो, ठीक है, ये तो था ही लोअर, पर एक और लोअर लो लगा है मार्केट का, वो पॉइंट होगा बी, बी, ठीक है, पॉइंट बी शुड टर्मिनेट विद इन द रेंज दिस, रेंज क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए रेंज, बी शुड टर्मिनेट विद इन द रेंज ऑफ दिस, मैंने लास्ट टाइम जो इसमें बताया था इस बी की जो रेंज है वो क्या है, 113 और 116, सेम बी की रेंज क्या होगी, 113 116, ये पॉइंट भी ले सकते हो 1.13 और 1.61, ये भी ले सकते हो आप, बाकी जो है इसके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसके बीच में होनी चाहिए बी। अब बी सी पे जाएंगे, बी सी लेग पे जाएंगे, तो एस प्राइस मूव लोअर पॉइंट सी शुड टर्मिनेट एट द लेवल दैट
कॉरस्पॉन्ड, ये लेवल आने चाहिए प्रोजेक्ट एक्स ए के लेग के। एडिशनल पॉइंट सी शुड रिट्रेस टू, बस अब यहाँ पे इन्होंने जोड़ दिया है ओ एक्स का लेग बी, यहाँ पे इन्होंने नहीं जोड़ा, ठीक है, यहाँ पे नहीं जोड़ा था, यहाँ नहीं जोड़ा गया। सेम बात जो यहाँ पे बस पॉइंट लिखे गए हैं जो वहाँ यहाँ जोड़े गए हैं, ताकि और समझ में आए, ताकि और कन्फर्मेशन मिल जाए कि हाँ ये कन्फर्म है, यहाँ से कन्फर्म मतलब एकदम हाँ कि ये परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है, परफेक्ट बैठ रहा है। बाकी जो बुलिश बेरिश है दोनों वाइस वर्सा हैं, इनमें पॉइंट चेंज नहीं होते, बिल्कुल सेम रहते हैं पॉइंट, इनके पॉइंट भी सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते, बिल्कुल चेंज होते, एकदम सेम रहते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, बस मेन याद रखना है इसमें क्या है थोड़ा ट्रिकी, कि पहले एक्स से ए जा रहे थे, अब क्या चल रहे हैं ओ या जीरो जो भी बोलो आप, उससे एक्स जाएंगे फिर, और टी हट डी पॉइंट नहीं है, बाकी ओ एक्स ए बी सी, ठीक है। शार्क में बस ये नया हो गया है कि 5 पॉइंट तो हैं पर ओ ले लिया गया है। अब हाँ सवाल आ सकता है दिमाग में कि वही रख लेते हैं जब इनिशियल पॉइंट एक्स ही रखना था, मतलब जब इनिशियल रैंडम ही लेना था, तो एक्स से ओ से एक्स क्या कर रहे हैं, एक्स से ए कर देते हैं, ठीक है, मतलब वैलिड पॉइंट हो सकता है, जिन बहुतों के आएगा दिमाग में, ठीक है, कि जब रखना ही था तो वही रख लेते हैं। तो ऐसा होता कि जैसे इसमें जो दिखाया गया ना, इसमें ए जो पॉइंट है ना कोई कन्फर्म पॉइंट नहीं है, ठीक है, एक रिट्रेसमेंट पॉइंट है वो, इससे पहले जितने भी लेवल आए हैं उस समय क्या था कि बी जो पॉइंट लिया गया था वो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बताया गया बी को, ए बी को जो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बताया गया है, बजाय ए जो है यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, ठीक है, उसमें पहले यही हो रहा था जी एक्स से ए जो था रैंडम था, पर ए से बी रैंडम नहीं था, ठीक है, मूव था उसमें भी कुछ मूव था, ठीक है, इसमें मूव है पर एक कन्फर्म मूव नहीं है, मूव तो है पर एक कन्फर्म मूव नहीं है, मतलब आप 100% के लेस देन 100% होना चाहिए बस। अब लेस देन 100% वो कहीं भी गिरेगा पॉइंट, ठीक है, लेस देन 100% वो कहीं भी गिर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे ये एम दिख रहा है प्रॉपर या डब्लू दिख रहा है, ये थोड़ा एम दिख रहा है या फिर थोड़ा ये डब्लू शेप शेप दिख रहा है वैसे ही दिखे, ज़रूरी नहीं है, इसीलिए उन्होंने ए की जगह ओ एक्स की जगह ओ कर दिया और डी को हटा दिया गया। तो इतना समझ आया होगा आपको आई होप, उसके आगे चलते हैं। अब थोड़ा दिखा बताया गया है, नाउ देर आर सब देर आर सर्वाइवल डिफरेंट वे दैट हार्मोनिक ट्रेड विल ट्रेड ट्रेडर विल ट्रेड द बुलिश शार्क पैटर्न एज सच, देर इज़ नो यूनिवर्सल मेथड फॉर ट्रेडिंग दिस पैटर्न, कोई यूनिवर्सल पैटर्न नहीं है इसे ट्रेड करने का, ठीक है। अब आगे नीचे क्या बताया गया, बिलो आर सम ऑफ द मोर ट्रेडिशनल ट्रेड मैनेजमेंट रूल फॉर बुलिश शार्क पैटर्न, अब जो हैंगे कुछ मोर जो क्या है ट्रेडिशनल है ये, ठीक है, बुलिश शार्क पैटर्न में बिलो जो नीचे दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, बताने के लिए यहाँ पे, ठीक है, बताने के लिए उतार रखे हैं यहाँ पे कि जो बुलिश शार्क पैटर्न है कुछ और भी हो सकते हैं, मैंने इसी में कंसीडर कर दिया है, ठीक है, मैंने इस वाले को जो ए बी ये पॉइंट हैं मैंने इससे ये भी समझा दिया है, इसलिए इसलिए ताकि मैं आगे जो है आगे जो मैं ये जो पॉइंट लिखे ना इसके बेरिश के उसका मैं आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, इससे समझाने से फ़ायदा ये होगा कि आपको दोनों दोनों समझ आ गए इकट्ठे ही, अगर मैं अलग अलग समझाता तो मुश्किल होता कि अलग अलग, बस ये लिख इसलिए दिए गए यहाँ पे ताकि इन केस मैं जो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाले का भी और इस वाले का, ये जो पार्ट है पूरा ये इसी के साथ है, ठीक है, पर्पस समझाने का सिर्फ ये था मेरा मेन कि दोनों इकट्ठे समझने में आए तो ज़्यादा अच्छा है, इकट्ठे समझ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा करने में और प्रैक्टिकल करने में आसान होगा वहाँ पे, बजाय कि मैं अलग अलग समझाता और फिर जैसे मैंने लास्ट टाइम ये किया है कि वो वीडियो भी लंबी हो गई अलग अलग समझाने में भी, और फ़ायदा भी ये था कि अगर इकट्ठे समझ जाते दोनों चीज़ें जो सेम ही हैं तो अलग अलग क्या समझा के फ़ायदा, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहे हैं वो, ट्रेडिशनल वे भी हैं कुछ, ठीक है, एंटर है लिमिट ऑर्डर टू बाय बिटवीन दिस टू दिस रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ ओ एक्स लेवल प्राइस प्लेस अ स्टॉप लॉस एट 126% पे 127 एक्सटेंशन ऑफ ओ एक्स, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको क्या है कहाँ लिया गया स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस देख सकते हो आप, ये स्टॉप लॉस कहाँ लिया गया है, ये स्टॉप लॉस की जगह बता दी गई उन्होंने कि स्टॉप लॉस लेना कहाँ पे है, ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको यहाँ पे जब मैं बता रहा समझा रहा था
कि आप स्टॉप लॉस और एंट्री के बारे में भी मत देखना, खाली टारगेट समझा बताए थे मैंने। स्टॉप लॉस और टारगेट क्या है मैं अब आगे बता दूंगा, जब मैं चार्ट दिखाऊंगा, लाइव चार्ट जो लिया है उसमें बताऊंगा, तब तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि वो क्या है। इस वाले पे क्या था, यहाँ पे नंबर जो दे रखे थे ये नंबर जो हैं और जो जो फाइनल सी है उनके बीच का अंतर दे रखा है, ठीक है। ऐसे यहाँ भी दे रखे नंबर और सी के बीच का नंबर दे रखा है, ठीक है। यहाँ भी दे रखे थे नंबर वो, पर जो जो आपकी स्टॉप लॉस है, चाहो तो आप इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, प्लेस अ स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। किसका एक्सटेंशन होगा वो, ओ एक्स लेवल का। यूटिलाइज अ ड्यूल टारगेट स्केल बोट स्केल आउट एग्जिट अप्रोच, ठीक है। फिर इनिशियल टारगेट सेट जस्ट बिलो पॉइंट ए ऑफ पैटर्न, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। एक तो ये टारगेट हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर एक और टारगेट आएगा नीचे। ये बुलिश का है, ठीक है, मैं बेरिज दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। ये जो लिखा है पूरा, ये बुलिश के लिए लिखा हुआ है, ये मैंने पूरा इसलिए समझा दिया बेरिज के लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। बस यहाँ पे लिखा होगा कि इनिशियल बुलिश इम्पल्स है, इसको बस यहाँ पे रूल थे, मैंने यहाँ पे इसका जो है पूरा यहाँ से बुलिश का ही मैंने बेरिज से समझा दिया, ताकि बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। बुलिश बेरिज दोनों सेम है, बस चार्ट में क्या होगा, बेरिज जब बनेगा वो डब्लू पैटर्न में बनाना है आपको, बेरिज जो है डब्लू पैटर्न में बनाना है, और बुलिश जो है आपको एम पैटर्न में बनाना है, ठीक है। इतना अंतर और कुछ भी अंतर नहीं है ज़्यादा। उस वैसे यहाँ पे लिखा हुआ था सेकंड टारगेट विल बी द जस्ट बिलो पॉइंट बी ऑफ द टारगेट, ठीक। जैसे ही बी पॉइंट है उसके जस्ट नीचे होगा टारगेट टू। ये बस थोड़ा मुझे सही लगा बताने का तरीका इनका, ये थोड़ा सही था यहाँ पे तरीका बताने का, अच्छा लगा मुझे कि टारगेट जो है, जो पैटर्न दिख रहा है आपको, उसमें पहले से ही सेट कर रखें कि एक तो ये है ही और उसके बाद बी है, ठीक है। दो टारगेट सेट है बिल्कुल इसमें, एक तो ये टारगेट है ही पहला और दूसरा टारगेट, दो टारगेट हैं, किसी कोई भी एक टारगेट आप ले सकते हो। बाकी ये बेरिज का लिखा हुआ है, बेरिज इंपल्स के लिए लिखा हुआ है, इन्हीं ठीक है। रिट्रेसमेंट ऑफ ए बी इनिशियल ओ एक्स लेवल है, ए बी लेग जो है दिस लेग एक्सटेंड बियॉन्ड द स्विंग लो एट पॉइंट एक्स पॉइंट बी शुड टर्मिनेट विद इन रेंज, ये रेंज है उसकी एक्स ए की। फिर बी सी की प्राइस लग है, और ये भी टर्मिनेट क्या लेवल दे रखे हैं, ये लेवल दे रखे हैं आपने, और एक ये लेवल दे रखे हैं, ठीक है। ये लेवल है, मैं इस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको समझ में, मतलब समझ रहेगा देखने में, बस इसकी ज़रूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट आप किसी भी एक का ले लेना, या इसका ले लेना, या फिर इस वाली का स्क्रीनशॉट ले लेना, किसी एक का ले लेना, इसका ले लेना, या फिर इसका ले लो, दोनों के काम आ जाएगा। अंतर कुछ भी नहीं है, सेम है। बस याद इतना याद रखना है कि बेरिश के लिए डब्लू बनेगा, डब्लू पैटर्न बनेगा, और बुलिश के लिए एम पैटर्न बनेगा। इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी एक भी स्क्रीन की आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि हाँ ये ऐसे ऐसे जो नंबर है ये लिखे हुए हैं, ठीक है। अब चलते हैं फाइनल इसके चार्ट पे। तो चार्ट है, कैसे देखना है इसको, अब देखना क्या है, बस मैं फाइनल बता दूंगा कि आपको एंट्री और स्टॉप लॉस, ठीक है, एंट्री और स्टॉप लॉस बता दूंगा ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा पूरा कुछ भी, बाकी जो आपको पढ़ना है रोक के पढ़ सकते हो ये पूरा। बाकी मैं अब जैसे यहाँ पे ये पॉइंट लिया उन्होंने, ठीक है, ये पॉइंट जब लिया गया है, ये पॉइंट लिया गया है, ठीक है, ये थोड़ा हिला हुआ, थोड़ा सा हिल चुका है, थोड़ा चार थोड़ा हिल रहा है, ये हिला हुआ है, पर पॉइंट ये लिया हुआ है, ए पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट नहीं है, वो एक्स तक गया, ठीक है, एक अप ट्रेंड आया, ठीक। ये किसका बता रहा हूँ, बुलिश का ही है, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं अंडरलाइन, बुलिश है ये। फिर एक्स से बी गया जो क्या था, लेस देन 100%, ये लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, लेस देन 100% फॉर बी ए, सॉरी। उसके बाद ये क्या गया, फिर गया ऊपर बी। अब यहाँ पॉइंट कौन कौन से दे रखे थे, 113 से लेकर 161% इसके बीच में, तो उन्होंने क्या लिया है, इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 114, ये हो जाएगा इतना, 114% हो जाएगा, 114% हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने बोला भी क्या है, 113 से लेकर 161 के बीच में कहीं लेना, मतलब
बी जो लेना है वो 113 से 161 के बीच में लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी पॉइंट। उसके बाद हम सीधा कहाँ गए, नीचे गए, सीधा गए डाउन साइड गए, हम एक अच्छा फॉल देखा, क्योंकि हम बना किसका रहे हैं, ये बना रहे हैं बुलिश का, तो क्या फॉल देखा अच्छा है हमने, ये फॉल दिख रहा होगा, अच्छा फॉल है इसमें, उस फॉल में आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट सी है। सी पॉइंट में क्या हुआ है कि पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो कि सी पॉइंट उन्होंने कैसे लिया है, सी पॉइंट का जुगा जुगली था, जैसे मैंने पहले ही बताया था, पॉइंट याद रखना ठीक है, कौन कौन से पॉइंट उन्होंने बता रखे हैं और कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, एक तो डबल बताया था ठीक है। तो ये कितना हो गया, अगर एक्चुअल पॉइंट देखा जाए तो ये परसेंट में हो गया किसका, ए का, इसका ठीक है, ए का, और एक इसका पॉइंट बताया रखा था ठीक है, 88% से लेकर फर्दर कहाँ तक था, 113 ठीक है। तो ये क्या है 114, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक सौ चौदह तक, इसमें 113 तक लिख सकते हैं, 114 मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, बेसिकली होगा नहीं ये, इसको यहाँ नापा गया है, होगा बेसिकली थोड़ा सा नीचे होगा, ये जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको ये वाला, यहीं कहीं होगा ये पॉइंट, थोड़ा सा हिला हुआ है, चार थोड़ा हिल गया था ये, मतलब लगाते हुए हिला हुआ है ठीक है। अब आता है एंट्री पॉइंट क्या लेना है इसका, एंट्री पॉइंट ऐसे लेना है इसका, ऐसे मान लो ये, अगर मान लो यही पॉइंट मानो कंसीडर किया जाए, जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल को यहाँ पे इस पे लिखा ना एंट्री लेनी है ठीक है, अब मान लो इस पे तो एंट्री नहीं बनेगी ना, क्योंकि फिर तो मार्केट डाउन आ ही गया है, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा आपका, यहाँ पे स्टॉप लॉस है तो यहाँ नहीं लेना है। जैसे ही ये वाली कैंडल का, इस वाली कैंडल का मार्केट ने क्लोज दिया, ऊपर ऊपर की तरफ जाने लगा ठीक है, देखा आपने ये ऊपर की तरफ जाने लगा, इस वाली कैंडल पे आपने एंट्री ले ली और मार्केट को फिर आपने स्टॉप लॉस क्या दिया, इस वाली लो का एसएल लगा दिया ठीक है, इस वाली एसएल, इसका एसएल लगाया और मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया ठीक। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पहुँचा, पहले टारगेट पहुँचा, आपने क्या किया, आपने सिंपल अपना पहला जो चंक था 25% से 50% के बीच का एक चंक आपने क्या किया, एग्जिट कर दिया, सिंपल सा काम, आपने कुछ नहीं करना है, एक चंक जो है आपको अपना वहाँ से एग्जिट करना है, कहाँ से, इस लेवल पे कितना परसेंट है वो 1/4 से लेकर 1/4 टू 1/2, इतना आपको अपना यहाँ से एग्जिट करना है पहले टारगेट पे, और दूसरे टारगेट पे फर्दर आपको, और यहाँ एक स्टॉप लॉस भी लगाना है, स्टॉप लॉस के बाद में आपको एक फर्दर, जब यहाँ पहुँचोगे सेकेंड टारगेट पे आपको वहाँ पे भी एक, फिर या पूरी एग्जिट कर देना, यहाँ पूरी एग्जिट करना है, फुल फुल क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी जो है आपकी एग्जिट हो जाएगी सेकेंड टारगेट पे, पूरी क्वांटिटी एग्जिट ठीक है, उससे पहले नहीं रुकना है आपको, जैसी पूरी क्वांटिटी हो जाएगी आपको एग्जिट बनानी है, उसके पहले एग्जिट नहीं बनाना है। तो ये हो गया बुलिश का, तो उसके बाद क्या है बेरिश का, बेरिश का भी सेम है, अंतर कुछ नहीं है, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ, बाकी वैसे ही रखना है जैसे वो था, इसमें कुछ चेंज नहीं है, जैसे बस ये इस पॉइंट का टारगेट होता है पहला ठीक है, बी का हो गया टारगेट, सेकंड एंट्री कहाँ होगी, इसमें भी वही एंट्री है, जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया आपको एंट्री लेनी है, जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया यहाँ से इसके ऊपर निकला, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे आपने शॉर्ट करना है मार्केट को, और मार्केट का पहला टारगेट है ये और फिर मेन टारगेट है, एसएल क्या है, ये एसएल है। अगर आप ये निफ्टी फिफ्टी में लगा रहे हो तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, निफ्टी फिफ्टी में बहुत आसान तरीका है, 20 पॉइंट लीवे का होता है, वो 20 पॉइंट लेने हैं तो छोड़ने हैं, जो भी पॉइंट लगाया, 100 रुपये का आपने प्राइस चल रहा था, करंट मार्केट प्राइस चल रहा था, कोई भी कॉल या पुट का, पुट का मान लीजिए, पुट का आपने सब था, आपने बाय करा उसको ठीक है, अब 100 माइनस 20, 80 आपका स्टॉप लॉस हो गया, नहीं क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ऐसे ऐसे साइडवेज चला चला जाए, फिर मार्केट डाउन बढ़ाए तो क्या होगा, वो आपका प्रीमियम खाएगा, तो ये तो उनके लिए होता है जो ये इसके जो ये वाला पॉइंट है, ये उनके लिए अच्छा होता है जो फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे उनके तकरीबन उनका इतना प्रीमियम डिके नहीं होता जितना कॉल और ऑप्शन में डिके करते हैं प्रीमियम वो लोग ठीक है। तो ये याद रखना है कि कोशिश करनी है कि कहाँ कौन सा लेना है, जब लें आप तो अगर
निफ्टी 50 का लिया है तो 20 पॉइंट का लीवे देके चलना, ठीक है। अगर आपने ये स्टॉप लॉस ले रखा है, ये इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस ले लिया, नहीं लेना है, इसके थोड़ा और 20 पॉइंट छोड़ना है और वो आपको एस एल लगाना है, ठीक है। तो ये फाइनल पॉइंट आ गया है कि मूविंग ऑन द फ्रॉम हेयर द प्राइस ट्रेड लोअर इन द ए बी लेग, अल्टरनेटिवली इट एबल टू ब्रीज द स्विंग लो एट पॉइंट एक्स देन सेटल एट द स्विंग लो विच रिप्रेजेंट ए एक्सटेंशन दिस द फॉल विद इन आर प्रेफरेंस रेंज दिस टू दिस एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू बता, फाइनल बता रहे हैं, कंक्लूजन है कैसे लेना है, ठीक है। ये कंक्लूजन है पूरा उसका, मैं कंक्लूजन आपको वहीं बता देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से समझ आए। तो क्या क्या है मेन मेन इसमें, ए सॉरी ओ या जीरो से एक्स जो पॉइंट है, एक वैसे रैंडम इनिशियल पॉइंट है, रैंडम ही है, पर ये लोअर लोअर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लो होना चाहिए, लोअर नहीं होना चाहिए, बी से सी से थोड़ा नीचे होना चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है। पहले सोचा था एकदम लोएस्ट पॉइंट होता था, बाकी तीनों में लो एक्स जो था एकदम लोएस्ट पॉइंट था, पर इसमें एकदम ऐसा नहीं है क्योंकि सी और लो पे जाएगा, ठीक है। याद रखना मैं दिखा मैं रहा हूँ बेरिश का, बात कर रहा हूँ मैं बुलिश की, ठीक है। मैं बुलिश ही दिखा देता हूँ कहीं आपको कन्फ्यूज़न आ जाए। ये जो पॉइंट है यहाँ से ये गया, ये जो लोअर पे आएगा तो ये भी लो और थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है। अगर ये 10 पे था तो ये 5 पे होगा या फिर 2 पे होगा या फिर सॉरी 8 पे होगा या 7 पे होगा, इसलिए 0 लिया। फिर एक्स गए, एक्स से ए पे आए, ठीक है। एक्स और ए का इसका अंतर क्या है, लेस देन 100% होना चाहिए, ठीक है। 100% नहीं होना चाहिए, पूरा लेस देन 100% होना चाहिए। उसके बाद बी पे गए तो बी के दो पॉइंट दे रखे हैं यहाँ पहले से, इसके बीच में आना चाहिए बी, बी जो है इसके बीच में आना चाहिए, और बी से सी जो है फाइनल पॉइंट वो क्या होना चाहिए, ओ के थोड़े मुकाबले थोड़ा नीचे होना चाहिए, लोअस्ट लो जो है थोड़ा ज़्यादा नीचे होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म छोटा लो ले लिया आपने, थोड़ा बड़ा लो होना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लो होना चाहिए। वही जैसे मैंने वहाँ बोला, अगर 10 है तो ये कम से कम 8 या 7 पे तो होनी चाहिए, या फिर 9 तो रखोगे कम से कम, बाकी थोड़ा लो है, ये थोड़ा बड़ा लो होना चाहिए, ये छोटा लो होना चाहिए, ठीक है। इसके नीचे एंट्री है, जो जो भी कैंडल यहाँ पे आ रही है, इसके बाद जब मार्केट उठना शुरू होगा, जो भी कैंडल मान लीजिए रेड कैंडल बनी, यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, वो ग्रीन कैंडल बनाती है अगली कैंडल, तो एंट्री कहाँ आएगी, आपकी एंट्री आएगी इस ग्रीन कैंडल पे एंट्री आएगी जैसे ही वो इसके जो ओपन है उसको क्लोज देगा, ऊपर निकल जाएगा, हाई बनाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, जैसे ही वो इसके ओपन के ऊपर निकल जाएगा तो आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है, ठीक। उसके बाद पहला टारगेट और फिर दूसरा टारगेट, पहला टारगेट क्या है ए के बराबर, दूसरा टारगेट क्या है बी के बराबर, या बी से थोड़ा सा नीचे, उससे पहले थोड़ा सा आप एग्जिट बना सकते हो, सेम बेरिश के पैटर्न के लिए भी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा नया है थोड़ा इसमें, क्योंकि बस ए पॉइंट जो है थोड़े बदल गए हैं, पहले था एक्स ए बी सी डी, अब क्या हो गया ओ एक्स ए बी और सी, बाकी सब कुछ सेम है, कुछ अंतर नहीं है, पॉइंट वही फेवीनाको में देखने हैं आपको, सारे पॉइंट मिल जाएंगे फेवीनाको पे ही, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो बने रहें चैनल पर, और भी वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। डेली डेली ब्रेकआउट स्टॉक के ला रहे हैं, उस साथ आपको सिखा भी रहे हैं कैसे आपको स्टॉक पहचानना है कि ये स्टॉक जो है कैसे कब ब्रेकआउट होगा, और डेली आपको निफ्टी के लेवल भी दिख रहे हैं, उसके साथ आपको एक ऑप्शन और कॉल भी दी जा रही है, ठीक है। तो बने रहें चैनल पर, धन्यवाद।